हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आज हम डिस्कस करेंगे 2018 का लाइफ साइंस का क्वेश्चन पेपर इस पेपर में हंड्रेड क्वेश्चन आएंगे एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी टू मार्क्स सो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है The correct option is option number C, that is alpha amylase is a marker for chloroplast. So that option is not correct. Next question is the concentration of hydrogen ion dissociating from pure water is option number C, that is one into ten raised to power minus seven moles H positive per liter of water. Next question is. विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एन इंजाइम ठीक है एक जो होलो एन्जाइम है दैट हैज एपो इंजाइम प्लस द प्रोस्थेटिक ग्रुप सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज इट इज लूजली बाउंड टू एपो एनजाइम बाई नॉन कोवलेंट बाउंड ये लूजली बाउंड नहीं होता ये टाइटली बाउंड होता है That prosthetic group is tightly bound to the enzyme, and apoenzyme that is the proteinaceous part. This non-protein component hai, that is bound tightly and together they will form the holoenzyme. Next question is which of the following is not an example of sugar alcohol? So correct option is option number D that is galactose. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ डी एन ए वॉज यूज टू डराइव वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डी एन ए सो दैट इज बी डी एन ए अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग कॉम्पिटेटिव इनिबिशन ऑफ एन एन्जाइम इन में से कौन सी वैल्यू है जो अफेक्ट होती है तो जब भी कॉम्पिटेटिव इनहबिशन होगी तो कॉम्पिटिटिव इनहबिशन में जो कॉम्पिटिटर होगा राइट जो कॉम्पीटिटर होगा वो कंपीट करेगा विद सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम तो के एम इज द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट दैट मीन्स की अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो बढ़ जाएगा बिकॉज एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए ये दोनों कंपीट करेंगे सो द वैल्यू ऑफ के एम चेंजेस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन वट आर लिपोजोम्स लाइपोसोम्स आर ऑप्शन नंबर थ्री फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इनक्लोजिंग अ वाटर ड्रॉपलेट एक लाइपोसोम आते हैं एक मिसेलीज़ आती हैं जो लाइपोसोम है उसमें डबल लेयर होती है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की और जो मैसेली मैसेली फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं उसमें सिंगल लेयर ऑफ फॉस्कोलिपिड है वो एक रिंग की फॉर्म में अरेंज हो जाती है सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैसेली एंड लाइपोसोम्स next question is what is the chemical nature of ions and ion pumps and channel so they are proteinaceous so the correct option is option number b that they are the proteins next question is molecules that facilitate protein folding by inhibiting incorrect foldings are known as molecular चैपरॉन्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द सोडियम पोटाशियम पम्प सोडियम पोटाशियम पम्प के लिए कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी की एफिनिटी जो होगी पम्प की फॉर सोडियम एंड पोटाशियम डज नॉट चेंजेस बाय एडिंग और रिमूविंग द फॉस्फेट अगर आप फॉस्फेट को एड कर रहे हो रिमूव कर रहे हो उसकी वजह से इसकी पंप की एफिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग नेक्स्ट क्वेश्चन द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूल्स इज डायमेरिक नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोलैमुलर बॉडीज आर प्रेजेंट इन इटियोप्लास्ट्स ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कोडोन्स रिप्रेजेंट द स्टॉप कोडोन्स सो दैट इज यू ए यू ए जी यू जी ए दीज थ्री आर द स्टॉप कोडोन्स नाउ अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट जितनी भी स्टेटमेंट दी हैं चारों में से कौन सी करेक्ट नहीं है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी कि एम आर एन ए की जब सिंथेसिस हमें करनी है जब हमें ट्रांसक्रिप्शन करनी है दैट टाइम वी रिक्वायर द प्राइमर दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट प्राइमर की जरूरत जो है वो डी एन ए रेप्लीकेशन में होती है ट्रांसक्रिप्शन में नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपटाइटल ट्रांसफर इज एन इम्पोर्टेंट इन्जाइम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिजाइड इन अब सपोज ये एम आर एन ए है जब ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन्स का सो स्मॉलर यूनिट पहले बाइंड करती है देन लार्जर यूनिट बाइंड करती है ये जो एंजाइम है ये किसके पास होता है लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोजो नेक्स्ट क्वेश्चन जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको वायरस इज़ अ आरएनए। जनरली प्लांट के जो बैक्टीरियो uh, फैजेज या वायरसेस रहते हैं दे आर जनरली आर एन ए राइट नेक्स्ट इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफर्म्बड बाई द इंजाइम डी एन ए गायरेज ये प्रो कैरिया में इंजाइम को कहते हैं डी एन ए गायरेज इन केस ऑफ यू केरियोर्ट्स दे आर नोन एज टोपोइोमरेजिस सो जब क्वलिंग डी एन ए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है दैट इज क्वाइल्ड सो उसका जो टॉर्शन है स्ट्रेन का उसको अनवाइंड करने के लिए दीज इंजाइम्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेज इज़ नॉट करेक्ट चारों में से दिस वन इज़ नॉट करेक्ट क्योंकि जो लाइटिक पाथवे होता है उसमें क्या है कि जो वायरस है वो राप्चर करके सेल्स को रैप्चर करके फिर वायरल इन्फेक्शन करता है बट इन केस ऑफ लाइसोजेनिक पाथवे उसको राप्चरिंग जरूरी नहीं है वो वैसे भी मल्टीप्लाई करता रहता है सो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट Next is which of the following statement is not true for systemic acquired resistance. So that is the option number C that SAR is effective against all pathogen as it is not effective. Agla question hai, in general signal transduction pathway does not use one of the following as a secondary messenger for communication. ठीक है तो जी प्रोटीन्स भी यूज होती हैं कैल्शियम भी यूज होता है साइक्लिक एम पी भी यूज़ होता है विच इज़ नॉट यूज इज द ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन अ फ्लैट ऑर्गन अराइजिंग फ्रॉम स्टेम ऑफ अ प्लांट इज नोन एज क्लेडोड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सक्सेसिव कैम्बियम इज ऑब्जर्व्ड इन स्टेम ऑफ ऑप्शन नंबर ए दैट इज बोरेविया Next question is the role of GNOM during embryogenesis is to option number C ensure polarization of pin-formed auxin efflux carriers. Next question: In salt-tolerant plants, excess salt is transported to vacuole by sodium hydrogen antiporters. पोटर सिम पोटर क्या डिफरेंस है इनमें एंटी में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे सिम में सेम डायरेक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग अमोनिया एसिमिलेशन इन मेजोरिटी ऑफ लेग्यूम्स इंक्लूडिंग सोयाबीन एंड कॉपी एक्सपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम नोड्यूल्स टू द अन इन्फेक्टेड सेल्स टेक्स प्लेस इन विच फॉर्म सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड Next question during photorespiration the conversion of glycolate to glyoxylate takes place in correct option is peroxisomes Next question is sucrose is preferred molecule for the translocation of photoassimilates because it has relatively high energy free energy of hydrolysis अगला क्वेश्चन है चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट जर्नली हैव मेम्ब्रेन्स विद हाई कंटेंट ऑफ अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स सो दैट कि वो लो टेम्परेचर से मेंटेन करके रखे उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट डिसिपेट्स एक्सेस एक्साइटेशन एनर्जी एज हीट फॉर प्रोटेक्शन अंगेंस्ट फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द फोटोसिंथेटिक एपरेटर्स दिस मैकेनिज्म इज नोन एज नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज नॉट करेक्ट सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज टू फॉर डी इक्यूमुलेट्स इन सेल्स सिंस इट इज टेकन डिफ्यूजन एंड नॉट बाय इफ्लक्स कैरियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस correct answer is option number a that is manganese is as essential cofactor in the water oxidizing process that is not magnesium it is manganese next question prophase is characteristic feature of that is the correct answer is option number b lysogenic bacteriophage जब जो बैक्टीरिया का जीनोम है जब वो वायरस के जीनोम के साथ कंबाइंड हो जाता है दैट इज़ नोन एज़ प्रोफेज और वो तभी पॉसिबल है जब सेल ब्रेक नहीं करता बैक्टीरिया ब्रेक नहीं करता सपोज ये बैक्टीरिया है ये इसका जीनोम है सो so, जब बैक्टीरिया जो आएगा इसका जीनोम इसके साथ कंबाइन हो जाएगा दैट इज़ नोन एज़ प्रोफेज Next question in mendelian genetics separation of two alleles in unaltered form in an individual during formation of gametes is known as segregation Agla question hai in case of genome imprinting the impaired genes are often found to be methylated Next question dry rot of roots in legumes and beans is caused by so correct option is option number b that is macrofomina species next question is nematode parasitic on plants secrete proteins through the stylets. option number a agla question here botulism is caused by species of clostridium next is a parasite which attack living tissue but continue to grow and reproduce after the tissue is dead is known as facultative parasite which is the largest commissioned national park in india remember this word that is commissioned so it is gangotri national park versus largest है that is jim corbett but commissioned is gangotri next in which of the following orders सेवरल फैमिलीज शो सक्सेसिव कैम्बिया सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी इज चीनोपोडियलिस नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड वेरिएबिलिटी द करेक्ट ऑप्शन इज मेन अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या नहीं है सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी दैट जेनेटिक डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट्स ब्रॉडली द स्पेशिज रिचनेस एंड देयर अबनेस दिस इज़ नॉट जेनेटिक डाइवर्सिटी दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बायोटिक प्रोविंस कम अंडर द डेक्कन पेनिनसुला सो दैट इज द ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्लेट्यू ईस्टर्न प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर Next question is Which of the following is not an analytical character of community analysis that is sociability? Next question In Angular and parental system of classification, amentiferi does not include the correct option is option number C that is Renanculaceae. Next is Bicarpellary. सिन का अगला क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर बी क्लैडिस्टिक अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है that is option number d a neotype is a specimen derived from and original collection next question is which group of alga are considered to be closest relative of land plants so that is option number d charophytes charophytes which of the following feature is used to support the endosymbiont theory for the evolution of eukaryotic

फॉलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज इपॉक ओलिगोसीन इज रेफर्ड एज इपॉक सिनोजोइक आपका एरा है एंड जोरेसिक और सेल्यूरियन जो है दे आर द पीरियड नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स यूज्ड एज सोर्स ऑफ बायोफ्यूल सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज पॉपुलस जेट्रोफा एंड Pongamia. Next question. Generally, during crop domestication, genetic diversity for the selected traits decreases. Next is which of the following insect pest cannot be distinguished into biotype? So, that is option number D cotton bollworm next is cyclosporin a a bioactive molecule used as immunosuppressant is obtained from the trichoderma polysporum agla question hai? bt cotton plants are not destroyed by certain insects due to synthesis of certain insecticidal protein upon ingestion of these plants by insect these proteins become active in the gut बाय एल्केलाइन पी एच तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो बी टी कॉटन के जो प्लांट्स हैं दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय सर्टेन इंसेक्ट्स ये जो बी टी कॉटन है यही टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ठीक है ना सो दे आर द प्लांट्स विच आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय सर्टेन इंसेक्ट्स ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ सर्टेन इंसेक्टीसाइडल प्रोटीन्स अपॉन इंजेशन ऑफ दीज प्लांट्स बाय द इंसेक्ट्स अगर ये इस प्लांट को खा लेते हैं तो इन इंसेक्ट की जो एलिमेंट्री केनाल है उसका पी एच एल्केलाइन होता है उसमें जाके ये टॉक्सिन जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उन इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ वैक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग so the correct answer of this option is option number c that is a component of telomerase next question which of the following is a technique for analyzing genetic relatedness using pcr to amplify arbitrarily chosen sequence so that is option number b next is destructive interference between two waves of light would results in अब अगर लाइट की दो वेव्स में कोई भी इंटरफेरेंस आएगी सो दैट विल लीड्स टू चेंज इन एम्पलीट्यूड नेक्स्ट क्वेश्चन द इंजाइन दैट कैन बी यूज फॉर लेबलिंग डी एन ए यूजिंग निक ट्रांसलेशन इज द ऑप्शन नंबर डी डी एन ए पॉलीमरेज वन नेक्स्ट क्वेश्चन सुटेबल डाई फॉर लोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स लिपिड्स एंड स्टार्च ग्रीन्स आर रिस्पेक्टिवली सबके लिए सेपरेट डाइज यूज करते हैं जो प्रोटीन के लिए यूज करते हैं दैट इज क्रोमैसिव ब्रिलियंट ब्लू लिपिड्स के लिए है सुडान थ्री एंड स्टार्च के लिए है पोटाशियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्यूनोगोल्ड टेक्निक इन्वॉल्व आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लेबलिंग ऑफ टिश्यू विद गोल्ड पार्टिकल बाउंड टू स्पेसिफिक एंटीबॉडीज Next question The extent and position of gene expression in plants can be studied by that is option number D plant transformation with constructs containing selectable marker gene. Next is which of the following pair of bonds within a peptide backbone show free rotation around the both bonds? So that is option number A. यहाँ पे जो बॉन्ड है दैट इज बिटवीन सी एंड सी सो यहाँ पे फ्री रोटेशन जो है वो देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड में तो वैसे ही पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा नेक्स्ट इज अमीनो एसिड रेजिड्यू कॉमनली प्रेजेंट इन मिडल ऑफ बीटा टर्न आर द ऑप्शन नंबर सी दैट इज प्रोलिन एंड ग्लाइसिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्निया गेट इट्स न्यूट्रीशन फ्रॉम टीयर्स एंड एक्वस ह्यूमर कॉर्निया जो है उसको ब्लड सप्लाई नहीं होता है अब जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ब्लड तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा जब ब्लड नहीं जाएगा तो फिर लिम्फ भी नहीं जाएगा ठीक है ना और जहाँ भी ब्लड ब्लड है वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा सो so, कॉर्निया जो है डायरेक्ट एयर से अपना ऑक्सीजन सप्लाई लेता है नेक्स्ट इज स्किपनस डॉट इन प्लाज्मोडियम वाइबिक्स आर प्रेजेंट ऑन ऑप्शन नंबर सी दैट इज ऑन सरफेस ऑफ इन्फेक्टेड आर अगला क्वेश्चन है आफ्टर रिपीटेड राउंड ऑफ बाइनरी फीजन इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी दैट इज की मोस्ट ऑफ द जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे बट फ्यू जो है दैट मे डिफर जेनेटिकली टू द ओरिजिनल पेरेंट एज वी ऑल नो कि जब भी बाइनरी फ्यूजन होता है तो क्या होगा जो ऑर्गेनिज्म uh, है वो दो में डिवाइड करता है बट एज ये जो है वो जेनेटिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है इसमें तो कई बार क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ऑफस्प्रिंग वैसे आइडेंटिकल होंगे बट कुछ एक में थोड़ी वेरिएबिलिटी जो है देखने को वो मिल सकती है इफ इम्यूनोग्लोबिलिन प्यूरिफाइड फ्रॉम पॉलीक्लोनल एंटी सीरम अंगेस्ट बी एस इज डाइजेस्टेड विद ईदर पेप्सिन और Pepine, then it splits into fragments. Select the correct option. So the correct option is option number C. That is, pepsin digestion will produce two Fab fragments joined by disulfide bonds. Next question is: excess of prolactin causes gynecomastia. Next is activation of oncogene involved. द फॉलोइंग प्रोसेस क्या क्या होंगे उनमें अब देखो फर्स्ट है म्यूटेशन इन कोडिंग सीक्वेंस नेक्स्ट है जीन एम्प्लीफिकेशन क्रोमोजोम रीअरेंजमेंट एंड लास्ट वन इज म्यूटेशन इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस अब नॉन कोडिंग सीक्वेंस में अगर म्यूटेशन हो तो उससे तो कोई लेना देना है नहीं ठीक है ना सो so, ये ऊपर वाले तीनों जो ऑप्शंस हैं दे विल बी द करेक्ट नेक्स्ट इज सेक्स लिंकेज रेफर्स टू ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स कैरिड ऑन द सेक्स क्रोमोजोम नेक्स्ट हे फीवर इज एन एलर्जिक डिजीज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड अपर एयर पैसेज इसमें जो इम्यूनोग्लोबिन ई है दैट विल प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन हाइपर सेंसिटिविटी जो हे फीवर है वो एलर्जिक डिजीज है mucous membrane of nose and the upper respiratory tract. Next question is, Capacitation is prevented by option number A, high level of active fertilization promoting peptides. Next is, color perception in man is due to option number C, adoption pigment in cone cells. Agla question hai, A phenomena when parasite parasitize themselves इज़ नोन एज हाइपर पैरासिटिजम नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्कल सेल अनिमिया हेज़ नॉट बीन एलिमिनेटेड फ्राम द अफ्रीकन कंट्रीज बिकॉज इट इज इस क्वेश्चन के लिए ग्रेस मार्क्स मिला था बट आई थिंक इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए कि इट इज़ कंट्रोल्ड बाई रिसेसिव जीन्स एक तो ये रीजन है और दूसरा रीजन है कि ये जो है वो मलेरिया से प्रिवेंट करता है सिकल सेल अनिमिया इसलिए ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में मोस्टली देखने को मिलता है सो नेक्स्ट इज़ ब्लड ग्रुप टाइप ए एंटीजन इज़ अ कॉम्प्लेक्स ओलिगोसिक्राइड विच डिफर्स फ्राम द एच एंटीजन प्रेजेंट इन ओ इंडिविजुअल जो पर्सन हैं विद जितने भी ऑर्गेनिज़म जितने भी इंडिविजुअल्स में ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके पास सिर्फ एच एंटीजन होता है और जो ब्लड ग्रुप ए एंड बी या ए बी है उनके पास एच एंटीजन तो होता ही है उसके साथ एडिशनली जो है उनके पास ओलिगोसेकराइड्स की मोइटिबिज भी प्रेजेंट होती है तो जो ब्लड ग्रुप ए है उसके पास प्रेजेंट रहता है ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ एन एसिटाइल मेन और अगर हम ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो उसके पास होता है ग्लेक्टोज अगर हम ए बी दोनों की बात करें तो उसके पास दोनों होते हैं ठीक है गलेक्टोज भी होगा एंड नैग एनएसीटाइल ग्लूकोसाम वो भी प्रेजेंट होगा नेक्स्ट इज़ द कॉजिटिव एजेंट ऑफ मैड काउ डिजीज इज़ प्रायन ये इन्फेक्टेड प्रोटीन्स होती हैं जिनकी वजह से होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज बोवाइन स्पॉन्जीफॉम एंसेफ्लोपैथी नेक्स्ट इज अ डिफरेंस इन क्वीन बी एंड स्टेराइल वर्कर बी इज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर लार्वल डाइट ठीक है ना वो जो है जेली पे फीड करती है ठीक है नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर अटैक्ड बाय एच आई वी सो दैट आर द टी हेल्पर सेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकेट्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय टेकिंग कैल्सीफिरोल दैट इज वाइटामिन डी नेक्स्ट इज x-ray technique is employed to detect three-dimensional structure of a protein next question is lac repressor has which of the following dna binding motif so that is the option number c halix turn halix next is following our example of cell adhesion molecules except option number c that is connexon next question is which of the following pathogen enters the human body without the help of a vector that is option number c cystosoma in human population why is color blindness more common among male than in females correct option is color blindness is a x linked recessive trait so as female has 2 xx male has only 1 x सो so, अगर फीमेल अफेक्ट भी होती है कलर ब्लाइंडनेस से तो अगर एक एक्स अफेक्टेड है तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट विल बी कैरियर ठीक है ना और अगर मेल के पास तो एक ही एक्स है तो अगर ये अफेक्ट होता है सो दैट विल बी द ब्लाइंड कलर ब्लाइंड ठीक है सो दैट्स वाई मेल्स आर मोर अफेक्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटोनॉमसली रेप्लीकेटिंग सीक्वेंसेस इज करेक्ट्रिस्टिक फीचर ऑफ ईस्ट वैक्टर option number d next question is what is the chemical base of gene imprinting so that is methylation of dna agla question hai telomerase enzyme is rna dependent dna polymerase अगला क्वेश्चन है फोर मेल्स एंड ट्वेंटी टू फीमेल्स ऑफ रेंडियर वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन एन आइलैंड इन अलास्का आफ्टर थर्टी ईयर्स द पॉपुलेशन ऑफ रेंडियर इंक्रीजेस टू टू थाउजेंड ठीक है ना उनकी पॉपुलेशन जो है बढ़ के दो हजार हो गई है विच ग्राफ शो द बेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर द रेंडियर पॉपुलेशन अब देखो ये ग्राफ तो दोनों क्या कर रहे हैं ये तो डिक्लाइन कर रहा है ये भी नहीं होगा और ये भी स्टैटिक हो चुका है वहां जाके ये भी नहीं होगा एंड दिस वन इज अगेन बिकमिंग कॉन्स्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ये भी नहीं होगा सो so, कॉन्टिन्यूसली जो ग्रो कर रहा है दैट इज द ऑप्शन नंबर ए सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सक्सेशन तीन स्टेटमेंट दी हैं कि इट इन्वॉल्व स्ट्रोंग कॉम्पिटेटिव इंटरैक्शंस, नो वन स्पीश इज कंप्लीटली सुपीरियर टू एन अदर द नेक्स्ट सक्सेशनल स्पीशज मेक द साइट लेस अवेलेबल फॉर बोथ अर्ली एंड द लेट सक्सेशनल स्पीशज दीज एलिमेंट्स आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑप्शन नंबर बी इनहिबिशन मॉडल ये थ्री मॉडल्स आते हैं वन इज इनहिबिशन मॉडल दूसरा होता है टॉलरेंस मॉडल और तीसरा होता है फैसिलिटेशन मॉडल ठीक है ना तो इनहिबिशन का हम एग्जैक्ट पता कहाँ से लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर थ्री से कि जो नेक्स्ट सक्सेशनल स्पीशीज है दैट मेक द साइट लेस अवेलेबल फॉर बोथ सो दैट मीन्स कि वो इनहिबिट करेगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टू कॉलम्स इसमें आपको मैच करना है कॉलम सो फर्स्ट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देन इज टुंड्रा देन इज द कॉनिफर फॉरेस्ट सो जो आपको राइट right साइड पे तीनों ऑप्शन दे रखी हैं सबसे पहले तो देखो टुंड्रा देख लो दैट विल बी द लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर इसी पे ही होगा प्रेसिपिटेशन ठीक है ना एंड नेक्स्ट इज जो कॉनिफर्स हैं फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे देखने को मिलेंगे पाइंस ठीक है ना और जो ट्रॉपिकल हैं ऑब्वियसली दैट विल हैव द हाई प्रोडक्टिविटी हाई रेनफॉल एंड द वार्म टेम्परेचर सो वन का आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी एंड टू का आ जाएगा सी एंड थ्री का आ जाएगा ए सो दैट इज द ऑप्शन नंबर सी कॉम्बिनेशन आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय ऑप्शन नंबर ए दैट इज सिंपथैटिक डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम नेक्स्ट इज विच ब्लड वेसल इन अ अमेलियन सिस्टम हैज़ लार्जेस्ट प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम वन एंड टू ए इट विल बी इन द आर्टीरियोल्स बहुत छोटे होते हैं वो ठीक है next is at a presynaptic nerve terminal the release of synaptic vesicle relies mainly on the that is on entry of calcium next the cell lysate is mixed with phenol chloroform in 1 is to 1 ratio to separate the cell biomolecules three separate zone जो ए बी एंड सी है दैट विल कंसिस्ट ऑफ द ऑप्शन नंबर सी ए जो होगा दैट इज डी एन आरएनए आर एन बी जो होगा दैट विल बी द प्रोटीन्स एंड सी विल बी द फिनोल्स नेक्स्ट इज इनजो सस्पेंशन इफ पैलेटो क्वाड्रेट आर्टिकुलेट्स टू और फ्यूज विद द कॉन्ड्रोक्रेनियम Then the hyoid arch is option number D do not involve in jaw suspension. Next, in phase contrast microscopy, the rate at which light waves enter through specimen is option number B inversely proportional to their reflective indices. Next is हाइएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज़ फाउंड इन रीनल मेडूला ठीक है रीनल कॉटिक्स जो है अपर पोर्शन होगा मैडूला नीचे होता है तो उसमें हाइएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट देखने को मिलता है सो so, ये था पूरा लाइफ साइंस का पेपर हंड्रेड क्वेश्चन जिसमें आए थे और ये थे इनके आंसर्स बाकी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे मेरी चैनल पर प्ले लिस्ट बनी है तो बाकी ईयर्स के भी अगर आपको एच सेट के लाइफ साइंसेस के पेपर देखने हैं तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आएगी तो आपको इस चैनल पे जो है मैं शेयर कर दूँगी